ठीक है कर जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग एन टर्म्स, एन टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे सीक्वेंस के, तो ये एपी में है कि नहीं है ये हमें चेक करना होगा, जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है ना जी, तो चलिए चेक करते हैं। पहले nth टर्म दिया है 2n-1, तीन टर्म निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालते हैं 2 में 1-1 यानी कि 2-1 1 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालते हैं 2 में 2-1 यानी कि 4-1 3 हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालते हैं 2 में 3-1 यानी कि 6-1 5 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा a2-a1 और d इक्वल टू में यहाँ कर देते हैं a3-a2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3-1 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5-3 2। तो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो nth टर्म जो दिया है an=2n-1 is an AP, ये AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। चलिए अब इसका